हे गाइस, देखो कुछ ऐसे कंपनी है जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। एक ऐसा स्टॉक है, मैं स्पेसिफिक बताता हूँ, 65% वो गिरा हुआ। कितना? 65%। मतलब ये स्टॉक समझो 1800 रुपीज़ के बाजू में था और अभी ये मिल रहा है 600-700 रुपये के बाजू में। और प्रमोटर्स, कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, कंपनी के मालिक प्रमोटर्स, वो खुद ही खरीद रहे हैं सर, वो खुद ही खरीद रहे हैं। तो फिर सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, है कि नहीं है? हम तो आम आदमी है भाई। देखो समझ लो कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ हो और वो आपको मिल रहा है केवल 30 रुपये में, ठीक है, हम आप मतलब आम आदमी एक पब्लिक नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनको उसका वैल्यू नहीं पता है, इस वजह से नहीं खरीद रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अभी जैसे इंडिया में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडिया में लोग घर खरीद लेंगे, प्लॉट खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, किडनी खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, सोना खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन शेयर्स नहीं खरीदेंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई ताकतवर चीज़ है तो वो है शेयर्स, वो है शेयर्स। शेयर्स के सामने ये जो सोना देखते हो ना, गोल्ड, वो भी अपना घुटने टेक देता है सर। गोल्ड की वैल्यू क्या होती है? उसकी औकात कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में, समझ लो ना। एक शेयर्स के सामने, शेयर्स शेयर्स मतलब स्टॉक, एक स्टॉक के सामने गोल्ड का कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका वैल्यू कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन लोग सब कुछ खरीद लेंगे लेकिन शेयर नहीं खरीदेंगे, याद रखिएगा। शेयर एक ऐसी चीज़ है ना जो दुनिया को कहाँ से कहाँ लेकर चल जाती है। आप एक अमीर आदमी का नाम बता दो, केवल एक, आप मेरे से 1000 पूछो मैं 1000 बोलूँगा, लेकिन आप केवल एक, इतना तो काफ़ी है सर। आप इंटरनेट इस्तेमाल कर लो, चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लो, जो भी इस्तेमाल करना कर लो, एक बहुत अमीर आदमी जो स्टॉक मार्केट में उसका पैसा नहीं है और फिर भी वो अमीर है, बता दो एक नाम, कोई भी नहीं है सर। मतलब वो अमीर रहेगा ही नहीं रहेगा, पूछो क्यों। जितने भी अमीर आदमी हैं सभी स्टॉक मार्केट से अटैच्ड हैं, सभी लोग स्टॉक मार्केट में हैं, याद रखिएगा। और केवल गरीब लोग ही, गरीब का मतलब पैसे से नहीं, मेंटालिटी भी होती है, याद रखिएगा। और गरीब लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती है, समझ लो ना, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये सब वो सब क्या क्या नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अमीर के पास केवल शेयर्स होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसका वैल्यू बहुत होता है। और जिनको पता होता है कि भाई ये 100 रुपये का शेयर्स 30 रुपीज़ में मिल रहा है तो खरीद लेते हैं, है कि नहीं है। अब मान लेते हैं गोल्ड का प्राइस थोड़ा 10% 20% गिरता है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है, प्रॉपर्टी में क्या होता है, कुछ नहीं होता, इस वजह से वहाँ पर मिलता भी कुछ नहीं है। तो शेयर्स का प्राइस जब गिरता है तो हमें उसको ध्यान से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बारे में देखना चाहिए, बहुत डीप रिसर्च करना चाहिए उसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा। और जब एक स्टॉक का प्राइस 65% गिरा हुआ हो और एक प्रमोटर्स खरीद रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी लेना तो पक्का बनता ही बनता है। आइए दिखा भी दूंगा कंपनी का नाम, 1758 रुपीज़ के बाजू में हाई गया था। पहले तो ये कंपनी आते ही इसने 300-400% का रिटर्न निकाल के दिया और अभी देखो 63% दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में 72% के बाजू में गिरा हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा ये गिरा हुआ है, अभी भी ये 63% गिरा हुआ, 63% से ज़्यादा। कंपनी का नाम है आरती सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। आइए देखते हैं, ये रहा कंपनी का नाम, हम चेक करेंगे इन्वेस्टर्स के बारे में। तो पहले प्रमोटर्स के पास अगर आप लोग देखोगे तो 45% था, 45% से प्रमोटर्स ने 45% से 49% कर लिया, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली ऐसा करके, दूसरों की बात छोड़िए, लेकिन प्रमोटर्स ने 49.8% मतलब 50% अपनी हिस्सेदारी कर ली और 5% लमसम अगर हम लेके चले तो 5% प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, ऐसा है। कंपनी जो है होम एंड पर्सनल केयर के लिए काम करती है, एग्रो और मतलब ऑयल इंडस्ट्री जो होता है ना उसके लिए कंपनी जो है काम करती है, बेबी केयर होता है वो सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है, हमारी इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। तो और कुछ जानकारी जान लेते हैं कंपनी के बारे में, ये कंपनी वगैरह, ये जो कंपनी है वो शैम्पू वगैरह, हैंड वॉश, डिश वॉश, ओरल केयर, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी बनाती है। देख लीजिए, बेबी केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, होम केयर, इंडस्ट्रियल्स, तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी इसके ऊपर काम करती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करती है, 30% से लेकर 40% तक ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है सर। एक्सपोर्ट मतलब हमारे इंडिया से इनका बहुत अच्छा बिजनेस बाहर भी है। इनके आप प्रोडक्ट ग्रुप में भी जाके आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आप चाहें तो जाके ले सकते हैं। इनका बिज़नेस का एक्सपेंशन प्लान भी है जिसके लिए जो है 60 करोड़ रुपए जो है खर्च कर रहे हैं कंपनी, क्योंकि इनको लगता है कि भाई हम इनका जो है मैट्रिक टन पर एनम मतलब इनका जो है कैपेसिटी के बढ़ाएंगे ऐसा, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बढ़ा रहे हैं। और एक दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर ये 40 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं ऐसा। इनके पास और भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये देखने को लग रहा है,
और इनके पास जो है कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा है सर, कंपटीशन, तो ये उनसे भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी बता रहा कि इनके पास मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि BASF कॉरपोरेशन आपको दिखने को मिल जाता है, और क्लियरेंट करके दिखने को मिल जाएगा, क्रोडा इंटरनेशनल दिखने को मिल जाएगा। तो ये सारे इंटरनेशनल कंपनी हैं जो कि इनके बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं। और ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है सर, केवल 500 करोड़ की कंपनी, केवल 500 करोड़ की कंपनी है। और इस कंपनी के पास 128 करोड़ का डेट है, जिनमें से इनके पास रिजर्व भी है, रिजर्व इस कंपनी के पास 160 करोड़ का रिजर्व है। मतलब जो डेट है इनके पास उससे इनको टेंशन नहीं है, ये मैनेज कर लेंगे। और कंपनी कुछ खास ज़्यादा पैसा नहीं कमाती है, पहले ये 5% कमाती थी जितना भी सेल्स करते थे उसके ऊपर, मतलब इसको बोलते हैं मार्जिन। अब ये 10% कमाना स्टार्ट कर रही है। अगर इनका मार्जिन मान लेते हैं कि 15% से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तब समझो कि बिज़नेस धीरे धीरे एक सक्सेसफुल मूड में जाना स्टार्ट कर रहा है। हर साल कंपनी जो है कभी पाँच करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़, इस तरीके से कंपनी पैसा कमाता है। लेकिन अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, क्योंकि नई कंपनी है, नई दुनिया है, और एक तरीके से नए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कंपटीशन भी है इस फील्ड में, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं तो। हमारे इंडिया के बीच में तो है, तो वहाँ पर कर लेगा अच्छी तरीके से। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए आपको क्या लग रहा है बिज़नेस के बारे में। अभी गिरा हुआ है बिज़नेस, आपको लग रहा है कि भाई समझिए तो ठीक है, इसके कंपटीशन में और भी बहुत बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। सोलार इंडस्ट्री, गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, जितने भी टाटा केमिकल वगैरह हैं, वो सभी जो है इनके एक तरीके से इंडिया के पेयर कंपैरिजन है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट फ्री रहेगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री में।